दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। अब करना होगा इन नियमों का पालन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर हमारे 48 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, कोरोना वायरस का खतरा अभी देश पर मंडरा रहा है और इसी के चलते केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के कार्यालय आने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ने के बाद ये कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है। सरकार ने नए दिशा निर्देश में अब केवल उन कर्मचारियों को कार्यालय आने की सलाह दी है जिनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं हो। और आइए हम आपको बताते हैं उन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनके बारे में DOPT की तरफ से जारी किए गए इस नए दिशा निर्देशों में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नियम है या फिर जो नया दिशा निर्देश है वो इस प्रकार है। अगर सर्दी, खांसी या बुखार हो तो ऐसे कर्मचारियों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है, उन्हें ऑफिस नहीं आना है। उसके बाद में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी घर से ही काम करेंगे, उन्हें भी ऑफिस नहीं आना है। इसके अलावा एक दिन में 20 से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में काम नहीं करेंगे, इसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा, बाकी कर्मचारी घर से काम करते रहेंगे। और फिर यहाँ पर अगला नियम लागू किया गया है, अगर एक केबिन में 2 से ज़्यादा अधिकारी एक साथ बैठते हैं तो वो एक दिन छोड़कर एक दिन ऑफिस आएंगे। और फिर यहाँ पर कहा गया कि पूरे समय मास्क लगाकर रहना होगा, जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फिर यहाँ पर अगला बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सभी को करनी होगी और अधिकारी अपने कंप्यूटर आदि को खुद ही साफ करेंगे, यानी कि पूरी साफ सफाई का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जहाँ तक संभव हो आमने सामने की बैठक से बचा जाए, जितना हो उतना कम से कम लोगों को ऑफिस बुलाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना की जाए, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और 20% कर्मचारियों और अधिकारियों को ही ऑफिस में बुलाया जाए। तो ये नए दिशा निर्देश यहाँ पर DOPT की तरफ से DOPT के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इन नए दिशा निर्देशों के बारे में जान सकें। और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।